हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर विकास सिंह। ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्लास 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए जीआर रिलीज कर दिया है। ये जीआर में सब कुछ डिटेल बताया है, जैसे सीटी एग्ज़ाम कैसे होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स कभी होंगे, रिजल्ट्स कभी आएंगे 10th स्टैंडर्ड के, ये सब चीज़ों की बात करने वाले हम लोग ये वीडियो में, ठीक है। मेरा नाम है विकास सिंह। गाइस प्लीज़ फोकस करिएगा, आने वाला 5 मिनट एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। आप सबको मालूम है क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक दो महीने पहले ही कैंसिल कर दिया था। थोड़े दिन पहले क्लास 12th का एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, चलो भाई 10th बोर्ड का एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, बट इनका एडमिशन कौन से बेस पे होगा? तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने यहाँ पे पूरा क्लियरिटी दे दिया है। कल के दिन का जीआर है, 24 जून का जीआर है, आप देख सकते हो। इसमें हम लोग सब डिटेल में बात करने वाले हैं, एकदम 5 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर। तो 5 मिनट कहीं ना मत जाइएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा, ठीक है बच्चों, वेरी क्लियर है। चलिए तो मैं एकदम मुद्दे पे फोकस करता हूँ सर। आप जीआर देख सकते हो दोस्तों मेरे, आप जीआर देख सकते हो, ठीक है। तो ये जीआर का मैंने एकदम समरी पॉइंट बनाया है आपको फटाक से, कंसेप्ट को एकदम जल्दी से कवर करने के लिए आ जाइए। तो मैं आपको एकदम समरी पॉइंट में बता देना चाहता हूँ, ये जीआर को पूरा देख सकते हो। द डिटेल्स ऑफ जीआर फॉर द सीटी एग्जाम फॉर द क्लास 11th एडमिशन सिलेबस शेड्यूल एंड पैटर्न। लेट्स स्टार्ट गाइस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हो दोस्तों, क्लास 10th रिजल्ट नियर बाय 15 जुलाई, गवर्नमेंट ने क्लियर कर बोल दिया 15 जुलाई के आसपास आपको क्लास 10 के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिजल्ट्स के काम चालू, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है 15 जुलाई के आसपास आपको रिजल्ट रिलीज करना पड़ेगा, 15 का 20 हो सकता है, 4-5 दिन इधर उधर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखो, अब रिजल्ट आ गया 10th स्टैंडर्ड का। अब सवाल उठता है क्लास 11th में एडमिशन कैसे होगा? तो वेरी सिंपल, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्लियर कट बोला भैया हम सीटी एग्जाम लेंगे, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे बच्चों का फॉर द क्लास 11th, उसके बेसिस पे क्लास 11th का एडमिशन होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये सीटी एग्जाम देना कंपलसरी क्या? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है सर, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप दे दोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आपको अपने लाइक का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, आपको जो स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए वो फटाक से मिल जाएगा, आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। अगर आप नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, बाद में भी कॉलेज में बोलते ना सीट्स खाली होती है, वहाँ पे आपको मिलना ही है, बट दे देना, अगर दे देना ना क्या फ़र्क पड़ता है यार, कुछ नहीं हुआ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं देने से तो अच्छा है, दे देना बेटर। चलिए आगे बढ़ते, सिटी एग्ज़ाम्स की हम लोग बात कर लेते, ठीक है। ये सिटी का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में होगा, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आसपास होगा। 100 मार्क्स का सिटी एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स। इसमें 4 पेपर ये लोग ने रखेंगे, 2 घंटे के 4 पेपर है। 4 पेपर कौन से? इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, 4 पेपर है, 2 घंटे का पेपर है। और MCQ एग्जाम से सर, ओ एम आर शीट क्या होता है? आप ऑफलाइन मोड है, आप सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे आपको बुकलेट दी जाएगी क्वेश्चंस की, आपको एक पेज दिया जाएगा जहाँ पे आपको सर्कल करना पड़ेगा, ठीक है, OMR शीट मतलब वो सर्कल को फिलअप करना पड़ेगा, बस MCQ में समझ लो, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा आपको, बस ये फिल करके देना पड़ेगा। 2 घंटे की एग्ज़ाम है, 100 मार्क की एग्ज़ाम से आपकी 4 सब्जेक्ट कवर की गई है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। अब वो लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ये सब कुछ भी कवर नहीं है इसके अंदर, वेरी क्लियर है। हर सब्जेक्ट 25 मार्क का है, टोटल 100 मार्क का एग्ज़ाम है, इतना तो क्लियर हो गया। ओमर शीट इसके बेसिस पे 11th का एडमिशन होगा। अगर कोई बच्चे ने अगर नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है सर, कॉलेज में बहुत सारी सीट्स खाली होते उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन दे देना सर। देने से क्या फ़ायदा होगा मालूम? देने से फ़ायदा होगा, अगर सपोज़ कुछ अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको मन चाह कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो बाद में उनके हिसाब से आपको कॉलेज मिलने वाला है, ठीक है, वेरी क्लियर है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ इसके बेसिस पे एडमिशन होगा। ये सीटी एग्ज़ाम क्यों लिया जा रहा है? एडमिशन पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है, क्लास 11th के लिए। इफ सीटी नॉट गिवन, देखो पॉइंट नंबर 9 देखो, इफ सीटी नॉट गिवन देन ऑल्सो एडमिशन गेट बट लास्ट प्रायोरिटी, नॉट गेट योर चॉइस कॉलेज,
ठीक है। और जो भी एडमिशन है क्लास 11 का, ये सब प्रोसेस 11 का ऑलमोस्ट सितंबर में चालू होगा। वेरी क्लियर है, अगस्त एंड या सितंबर के आसपास चालू हो जाएगा सर। तो मैंने पूरी वीडियो में देखो 1 to 10 पॉइंट में कवर कर दिया। और एक चीज़, हाँ, जो बाहर के स्टूडेंट हैं जैसे CBSE है, ऐसी बोर्ड है, बाहर के कोई भी स्टूडेंट है जो अदर बोर्ड के, अगर उनको महाराष्ट्र में 11th एडमिशन में चाहिए तो उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उनको फ़ीस भरना पड़ेगा। सर एग्ज़ाम, सिटी एग्ज़ाम के लिए आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं किया जाएगा, ये आपका ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पहले से सेट ऑफ कर लिया, जो आपने पहले फ़ीस भरा था। हाँ, जो बाहर के स्टूडेंट हैं उनको फ़ीस भरना पड़ेगा सिटी एग्ज़ाम्स के लिए। वेरी क्लियर है। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरे 10 पॉइंट्स आपको बता दिए। 10th क्लास का 15 जुलाई को एग्ज़ाम है, ठीक है। सिटी एग्ज़ाम 1st week of August में होगा। 100 mark का सिटी एग्ज़ाम है, 2 hours का, 4 subject, 25 each ऑप्शन MCQ एग्ज़ाम है, इसके बेसिस पर एडमिशन होगा। यहाँ तक तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समरी यहाँ पे बना के दे दी है। अगर आपको चाहिए तो आप बोल देना, मैं भेज दूँगा ये आपको व्हाट्सअप पे। वेरी क्लियर है गाइस। चलिए मैं थोड़ा और कुछ आपको बता दूँ, प्लीज़ फोकस करिएगा। देखो ए जी आर, ये लोग आप देख रहे हो जी आर, यहाँ पे ये भी बोला है जे ये लोग ने एक कमेटी बनाई है, कमेटी में कौन कौन लोग मेंबर है, ठीक है। जो मैंने सारे पॉइंट बताए आपको, देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 8 देख रहा है, CBSE CISE स्टूडेंट, वो सब का भी डिटेल मैंने बताया है पूरा। हाँ, यहाँ पे नीचे ना कुछ लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कि देखो ऐसा नहीं है जे हमारे पास सीट्स कम है। लास्ट ईयर का लोग ने इन्फॉर्मेशन दिया है, जब मतलब लास्ट ईयर कितनी खाली, कितनी सारी सीटें खाली रह गई थी हर जगह, महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में, हर जगह कहाँ कितनी सारी सीटें खाली रह गई थी, रिक्त जगह, देखो लिखा है वहाँ पे। तो आप उसका जो चिंता ही मत करो, आप भूल जाओ, माइंड से निकाल लो जो अगर हमने सीटी एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या हमारा एडमिशन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, एडमिशन तो होगा। और एक चीज़ बता दूँ, जो आपका क्लास 10th का जो रिजल्ट है बोर्ड का, उसका काम चालू है, 15 जुलाई को आ जाएगा। अगर आप उसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो सही, आपको आगे एग्ज़ाम अपीयर कर सकते हो 10th का, ऐसा प्रोविज़न बोला गया है, ऐसा प्रोविजन्स बोला गया है। वेरी क्लियर है, ऐसा प्रोविजन्स बोला गया है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया बच्चों, वेरी क्लियरली, ठीक है बच्चों, वेरी क्लियरली इतना क्लियर हो गया। यस, आपको मैंने ये सब भी बता दिया। हाँ, और एक चीज़ दोस्तों, आपको है ना गवर्नमेंट यहाँ पे पूछेगी, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज़ फोकस कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आपको कॉलेज आपको पूछेगा कि आप सिटी एग्ज़ाम अपीयर करना चाहते हो, तो यस बोल देना और दे देना दोस्तों, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है, कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कुछ भी डाउट है आप पूछ सकते हो, रिलेटेड एडमिशन और सिटी या कुछ भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड, थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।